धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। निजी बस संचालकों ने रोडवेज बस चालक को धुना। मछरिया गांव के पास की घटना। राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर आज दोपहर धौलपुर से सवारियां लेकर जा रही रोडवेज बस को मछरिया गांव के पास एक निजी बस के लोगों ने ओवरटेक करके रुकवा लिया और चालक को बुरी तरह से पीट दिया। बस में बैठी सवारियों ने उसे बमुश्किल बचाया। इसके बाद चालक व परिचालक बस को लेकर देहौली थाना पहुंचे और आपबीती सुनाई, जहां चालक बिजेंद्र द्वारा घटना की तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। परिचालक हरेंद्र सिंह ने बताया कि वे अपने निश्चित समय पर राजाखेड़ा से चालक बिजेंद्र के साथ रवाना होने को तैयार थे, लेकिन निजी बस ऑपरेटर उन्हें समय पूर्व ही रवाना करने को धमका रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी अनसुनी कर दी और निश्चित समय पर रवाना हुए। थोड़ी ही देर बाद मछरिया के पास एक निजी बस तेजी से उनको ओवरटेक करके आगे खड़ी कर दी और आते ही उसके चालक परिचालक व खलासी ने मारपीट शुरू कर दी। ये लोग इसी मार्ग के आसपास के गांवों के निवासी हैं, जिससे ये रोडवेज कर्मियों पर हावी रहते हैं। रोज रोज के झगड़ों से बचने के लिए इनकी हरकतों को बर्दाश्त करने की मजबूरी बनी हुई है। इस बार भी इन पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो इस मार्ग पर बस संचालन ही मुश्किल हो जाएगा। बताया जाता है कि राजाखेड़ा मार्ग पर निजी बस माफिया पूरी तरह हावी हैं और परमिट के नियमों का उल्लंघन कर बसों का संचालन कर रहे हैं। चंबल में डूबकर युवक की मौत, बाइक धोते समय हुआ हादसा। राजाखेड़ा से गुजर रही चंबल नदी के गढ़ी जाफर घाट पर शनिवार शाम एक युवक की नदी में डूबने से दुखद मौत हो गई। थाना राजाखेड़ा के उप निरीक्षक लाखन सिंह ने बताया कि राजाखेड़ा के ही गांव गढ़ी जाफर का निवासी करीब 28 वर्षीय प्रमोद पुत्र सियाराम शनिवार शाम करीब 4 बजे अपनी मोटरसाइकिल को धोने अपने ही गांव के चंबल नदी के घाट पर पहुंचा, जिसे अचानक मोटरसाइकिल धोते समय चक्कर आए और वह चंबल नदी में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में घाट पर पहुंचे ग्रामीणों को घटना का पता चला तो उन्होंने पुलिस चौकी गढ़ी जाफर को सूचना दी। सूचना मिलते ही चौकी से पुलिस उपनिरीक्षक लाखन सिंह मय जाप्ता के मौके पर पहुंच गए। प्रशासन की ओर से तहसीलदार राजाखेड़ा भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने बताया कि मृतक को कुछ दिन पूर्व दुर्घटना में सर में चोट लगी थी, तभी से उसे चक्कर आने लगे थे और संभवतया घटना के समय भी चक्कर आने से वह नदी में गिर पड़ा और पानी गहरा होने से उसमें डूब गया। नगर परिषद आयुक्त को दिया नोटिस। लोकसभा आम चुनाव 2019 के लिए जिला स्तर पर गठित चुनाव मीडिया प्रकोष्ठ का नोडल अधिकारी नगर परिषद आयुक्त सौरभ जिंदल को नियुक्त किया गया है, लेकिन 30 मार्च को विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें स्वयं नगर परिषद आयुक्त उपस्थित नहीं हुए और प्रतिनिधि के रूप में अधिशासी अभियंता को मीटिंग में भेज दिया, जिन्हें मीडिया प्रकोष्ठ के कार्य के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। इस पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी चेतन चौहान द्वारा आयुक्त से मोबाइल पर बातचीत की गई, तो आयुक्त ने खुद को जिला मुख्यालय से बाहर होना बताया। चुनाव की महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित नहीं होने के कारण मीडिया प्रकोष्ठ के द्वारा किए गए कार्यों की कोई समीक्षा नहीं हो सकी और बिना किसी पूर्व अनुमति के मुख्यालय से बाहर होना एवं मीडिया प्रकोष्ठ के कार्यों के प्रति कोई रुचि न रखना यह जाहिर करता है। चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में आयुक्त अपने उत्तरदायित्वों के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही बरत रहे हैं। इसे लेकर नगर परिषद आयुक्त को नोटिस देकर 2 दिन में जवाब मांगा गया है। अज्ञात वाहन ने अधेड़ महिला को मारी टक्कर, महिला की उपचार के दौरान मौत। जिले के बारी थाना इलाके के रेलवे क्रॉसिंग के पास बीती रात अज्ञात वाहन ने 52 वर्षीय अधेड़ महिला को टक्कर मार दी। महिला को नाजुक अवस्था में स्थानीय सीएससी पर भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक लक्ष्यो पत्नी सुंदरा निवासी भट्टीकरा शुक्रवार को बाजार में खरीदारी करने गई थी, लेकिन रेलवे क्रॉसिंग के पास अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने महिला को नाजुक हालत में स्थानीय सीएससी पर भर्ती कराया, जहां महिला की नाजुक हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में आज महिला की मौत हो गई। मामले में बारी थाना पुलिस ने मृतका के शव का राजकीय चिकित्सालय के शव गृह में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक 29/3/2019 को समय करीब 4:30 बजे एक्सीडेंट में एक महिला लक्ष्य बायरा जाति जाधव निवासी भट्टी करा जो घटना में घायल हुई थी, जिसको परिजन सुंदरा वगैरह हॉस्पिटल धौलपुर लेके आए थे और इस दौरान इलाज शाम को करीब 9:30 बजे
रखी हो गई है, जिसमें डेड बॉडी मोर से धौलपुर में रखी हुई है, जिसका पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जाएगी। कंस मेले में निकाली गई झांकी। बसई नवाब में चल रहे 5 दिवसीय कंस मेले के दौरान शनिवार को ऐतिहासिक प्राचीन कंस मेले पर 1 दर्जन से अधिक देवी देवताओं के स्वरूप सजाकर कस्बा के प्रमुख मार्गों से होकर आकर्षक झांकियां निकाली गईं। मेला कमेटी अध्यक्ष चंद्रभान त्यागी एवं ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि सुंदर सिंह कुशवाहा ने बताया कि पुरानी बैंक गली स्थित बौरे की कचहरी से पंडित द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर झांकियों का शुभारंभ किया गया, जो कि कस्बे के परिक्रमा मार्ग से होकर गुजरी। कमेटी के उपाध्यक्ष गौरव त्यागी व हरिओम कुशवाहा ने बताया कि मेला में श्री गणेश, महादेव, पार्वती, राधा कृष्ण, श्री राम दरबार, हनुमान जी सहित 1 दर्जन से अधिक देवी देवताओं की आकर्षक झांकियां मधुर बैंड बाजों की धुनों के साथ निकाली गईं। परिक्रमा मार्ग में आकर्षक झांकियों के साथ साथ कलाकारों ने भी अपनी अपनी कला प्रदर्शन कर करतब दिखाकर दर्शकों का मन मोह लिया। देर शाम को पापई दास मंदिर पर झांकियों के समापन स्थल पर पुलिस की मौजूदगी में श्री कृष्ण द्वारा कंस पुतले का वध किया गया। गौरतलब है कि कस्बा बसई नवाब में यह परंपरा करीब 60 वर्षों से अधिक चली आ रही है। कोलारी थाना प्रभारी अनिल शर्मा ने बताया कि कंस मेले में झांकियों में कानून व्यवस्था बनाए रखने में आरएसी जाप्ता व महिला पुलिस के साथ साथ कंचनपुर थाना व सैपू थाना पुलिस सीओ सैपू मौजूद रहे। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि विद्याराम, रमाकांत कटारा, बीरन मरैया, हरीश कुशवाहा, हरिओम कुशवाहा, देवेंद्र त्यागी, गौरव त्यागी, हरिओम त्यागी, नार सिंह कुशवाहा, भगवती प्रसाद आदि मौजूद रहे। कमेटी के उपाध्यक्ष गौरव त्यागी ने बताया कि रविवार को ब्राट दंगल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई राज्यों के पहलवान व महिला पहलवान भाग लेंगी। बाइक ने मारी महिला को टक्कर, गंभीर घायल। मेला देखने जा रही थी महिला। बसई नवाब कस्बा के समीप जारोली पुलिया के पास एक बाइक चालक ने पीछे से तेज गति व लापरवाही से बाइक चलाते हुए पैदल जा रही एक महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला बुरी तरह से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि घायल महिला फूलो पत्नी कल्ला सविता निवासी जारोली थाना कोलारी अपने गांव जारोली से पैदल बसई नवाब कस्बा में कंस मेला देखने जा रही थी। इसी दौरान कस्बा के समीप ही जारोली पुलिया के पास पीछे से आ रहे एक बाइक चालक ने टक्कर मार दी। इस दौरान सड़क पर गुजर रहे किसी राहगीर ने अपनी बाइक से इलाज के लिए सीएससी बसई नवाब में पहुंचाया, जहां चिकित्सा कर्मी लोकेंद्र त्यागी ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर 108 एम्बुलेंस से धौलपुर रेफर कर दिया। चिकित्सा कर्मी लोकेंद्र त्यागी के अनुसार घायल फूलो देवी के नाक, मुंह और हाथ पैरों में गंभीर चोट आई है। चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिकों को कार्यमुक्त करें। लोकसभा आम चुनाव 2019 के लिए चुनाव के विभिन्न प्रकोष्ठों एवं मतदान दलों आदि में नियुक्त कार्मिकों को उप जिला निर्वाचन अधिकारी चेतन चौहान ने तत्काल कार्यमुक्त करने के आदेश दिए। उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि विभिन्न कार्यालयों से जिन कार्मिकों की ड्यूटी चुनाव कार्य में लगाई गई है और उन्हें अभी तक चुनाव ड्यूटी के लिए कार्यमुक्त नहीं किया है, उन्हें संबंधित कार्यालयाध्यक्ष तत्काल कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे चुनाव कार्य प्रभावित नहीं। उन्होंने कहा कि चुनाव ड्यूटी में नियुक्त कार्मिकों को यदि कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। 44 गोवंश से भरे 2 ट्रक पकड़े। राजाखेड़ा थाना पुलिस ने आज सुबह करीब 5 बजे गश्त के दौरान राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर दिघी गांव के पास गोवंश से भरे 2 ट्रकों को जब्त किया है। दोनों ट्रकों के ड्राइवर व स्टाफ मौके से भागने में कामयाब हो गए। ट्रकों पर लगी उत्तर प्रदेश की नंबर प्लेट से ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये गोवंश उत्तर प्रदेश ले जाए जा रहे थे। दोनों ट्रकों में 44 गोवंश भरे हुए थे, जिनमें गाय, सांड व बछड़े बताए जा रहे हैं। राजाखेड़ा पुलिस द्वारा स्थानीय लोगों की नाराजगी को देखते हुए गोवंश से भरे दोनों ट्रकों को तुरंत गौशाला भिजवाया गया। राजाखेड़ा थाना के उप निरीक्षक कैलाश ने बताया कि दोनों ट्रकों में से कुल 44 गोवंश बरामद किए गए हैं, जिन्हें परशुराम सेवा सदन बारी रोड बिजौली में रखा गया है। तस्कर गोवंश को कहां से ले जा रहे थे और किधर की ओर जा रहे थे, यह चालक की गिरफ्तारी के बाद ही पता चल पाएगा। इस मामले में खबर लिखे जाने तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा, 2 घायल। जिले के बसईडांग थाना इलाके के गांव रजई में बीती रात पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने 2 भाइयों की जमकर मारपीट कर दी। घटना में घायल दोनों भाइयों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया गया है, जहां इनका उपचार जारी है। जानकारी के मुताबिक रजई गांव के रहने वाले श्रीनिवास गुर्जर का अपने ही गांव के रविंद्र गुर्जर के परिवार से
काफी लंबे समय से झगड़ा चल रहा था। पुरानी रंजिश के चलते दोनों ही पक्षों में कई बार झगड़ा हुआ, जिसके दौरान दोनों पक्षों के लोग जेल भी जा चुके हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार देर शाम श्रीनिवास अपने भाई के साथ अपने खेतों में फसलों के लिए खलिहान बना रहा था, तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने आकर उन पर लाठियों और सरियों से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में श्री भगवान और उसका भाई दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। कृषि उपज मंडी का किया निरीक्षण, अधिकतम मतदान करने की शपथ दिलाई। समर्थन मूल्य पर गेहूं एवं सरसों खरीद की तैयारी को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर चेतन चौहान और उप जिला कलेक्टर बारी ने कृषि उपज मंडी बारी का शुक्रवार को निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि खरीद के दौरान कानून व्यवस्था का चाक चौबंद प्रबंध किया जाए, ताकि खरीद में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो एवं किसानों को अपनी उपज का बेचान करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि किसानों से खरीदी गई उपज का भी रैंडम चेक कर क्वालिटी को सुनिश्चित करें। किसान गेहूं एवं सरसों को बेचने के लिए कृषि मंडी में आने पर उनके लिए शौचालय की व्यवस्था करने के लिए अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को निर्देश दिए। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर व्यापारियों और किसानों को 6 मई को होने वाले मतदान में अधिक से अधिक मतदान के संबंध में भी शपथ दिलाई। बाड़ी का मशहूर पान भोलेनाथ पान भंडार, रिंकू की दुकान। हमारे यहाँ चॉकलेट पान, रोज पान, वनीला पान, स्ट्रॉबेरी पान, फायर पान मिलते हैं। शादी एवं पार्टियों के लिए ऑर्डर भी बुक किए जाते हैं। पता हॉस्पिटल रोड बाड़ी, कटे फटे नोट भी बदले जाते हैं। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9314681326978212356। क्या रहा पान? मजा आ गया। मैं तो इस पान को बाहर से खाने के लिए आया हूँ यहाँ। आपका एक वोट राष्ट्र निर्माण में मील का पत्थर। आज ग्राम पंचायत हिनौता के गांव कासगंज में मानवाधिकार परिषद ने मतदाता जागरूकता अभियान का कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश मंत्री सरपंच हिनौता जयवीर पोसवाल रहे। अध्यक्षता मानवाधिकार परिषद के जिला अध्यक्ष संजय कंसाना ने की। विशिष्ट अतिथि राजकुमार त्यागी रहे। मुख्य अतिथि प्रदेश मंत्री सरपंच संघ अध्यक्ष जयवीर सिंह पोसवाल ने कहा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा महापर्व के रूप में देश की सर्वोच्च पंचायत संसद के चुनाव में प्रत्येक मतदाता अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपका एक वोट राष्ट्र के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर छतरिया जाटव, दल्ले जाटव, रामलखन, मुन्नी देवी, राम कटोरी, लक्ष्मी देवी, माया मछला देवी, बैकुंठी, मुन्ना, सुनीता, गीता, संगीता आदि ग्रामीण मौजूद रहे। बजाज की बाइक खरीदने का सुनहरा मौका, बजाज बाइक पर महा लोन महोत्सव। लकी ड्रॉ से लाखों के उपहार जीतने का मौका, कीमत में विशेष छूट। सभी धौलपुर जिले वासियों को ओम साईं बजाज मोटर्स बाड़ी की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जा रहा है कि होली के शुभ अवसर पर ओम साईं मोटर्स सरमथुरा रोड मेला ग्राउंड के सामने बाड़ी पर बजाज लोन महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बजाज सिटी 100 प्लेटिना सेल्फ स्टार्ट मोटरसाइकिल पर 5 साल की ऑन डैमेज इंश्योरेंस और 5 साल की वारंटी के साथ दी जा रही है। यह बजाज महोत्सव 27 मार्च से 31 मार्च ओम साईं बजाज बाड़ी पर आयोजित किया जा रहा है। इस ऑफर में मोटरसाइकिल खरीदने पर एक कूपन दिया जा रहा है, जिसका लकी ड्रॉ 1 अप्रैल को आप सभी के सामने निकाला जाएगा, जिसमें प्रथम विजेता को 32 इंच की LED TV, द्वितीय विजेता मिक्सर ग्राइंडर और तृतीय विजेता को डिनर सेट दिया जाएगा। साथ ही अन्य सभी ग्राहकों के लिए हर खरीद पर निश्चित उपहार दिए जाएंगे। सिटी 100 की शुरुआती कीमत मात्र 34,772 रुपये है और पल्सर की शुरुआती कीमत मात्र 63,896 रुपये है। सिटी 100 किक स्टार्ट मात्र 9,499 रुपये डाउन पेमेंट पर, प्लेटिना 100 मात्र 11,999 रुपये डाउन पेमेंट पर, डिस्कवर 125 मात्र 13,999 रुपये डाउन पेमेंट पर उपलब्ध है। इच्छुक व्यक्ति इस ऑफर का अधिक से अधिक लाभ लें और संपर्क करें। प्रोपराइटर लोकेश गोयल, मोबाइल नंबर 9785926605। ग्रीस गोयल, मोबाइल नंबर 9351577320।
चैपो के मलेला गांव में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन आज कथावाचक पंडित प्रताप नारायण शास्त्री के द्वारा भागवत कथा की महिमा में भक्त अंजा मिल की कथा को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि भगवान का नाम लेने से कई जन्मों के पापों का नाश होता है। जो सभी तरीके से भगवान का स्मरण करते हैं उनको ईश्वर की प्राप्ति होती है। भक्तमती मीराबाई की कथा को भी विस्तार से सुनाया। कथा का आयोजन गुदेनिया परिवार मलेला बालों के द्वारा किया जा रहा है। कथा में सुरेशानंद, रामजी लाल शर्मा, राम नारायण, मुरारी लाल शर्मा, राधेश्याम, परसोत्तम, चंद्रभान, लोकेंद्र, केशव जोगी, हॉली सिंह, राकेश सेठ, मोतीलाल, सुभाष मुदगल, निरोतीलाल, दिनेश बिल्लू आदि उपस्थित रहे। राजकीय प्राथमिक विद्यालय टहरीकापुरा में कक्षा पांचवी बोर्ड परीक्षा के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी दीपक उपाध्याय की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इस अवसर पर पांचवी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को परीक्षा के बारे में जानकारी दी। उसके बाद विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को विद्यालय परिवार द्वारा दावत दी गई। विद्यालय में शनिवार कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसके बाद पांचवी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को तिलक लगाकर एवं उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता डीके कुशवाहा द्वारा परीक्षा में समय पर जाने और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक लोहरे राम कुशवाहा, अध्यापिका रीना यादव, विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष अमर सिंह कुशवाहा, शिवकांत कुशवाहा, लिपिक विजय बघेल, राकेश, निर्मला देवी, नत्तो देवी, रामवती एवं सभी विद्यार्थी मौजूद रहे। शिक्षक की सेवा निवृत्ति पर दी विदाई। बसई नवाब में विद्या भारती द्वारा संचालित माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में शनिवार को शिक्षक मुरारीलाल शर्मा के सेवा निवृत्ति होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय समिति के अध्यक्ष दाऊजी गुदेनिया व व्यवस्थापक हरिओम कुशवाहा ने सेवानिवृत्त शिक्षक मुरारीलाल शर्मा का साफा एवं माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। सेवानिवृत्ति के अवसर पर कार्यक्रम में शिक्षक मुरारीलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षण कार्य बहुत ही पुनीत कार्य है। हर शिक्षक को गुरु और शिष्य के नाते व धर्म से बखूबी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, जिससे हर छात्र का भविष्य उज्जवल हो सके। कार्यक्रम में समस्त अध्यापकों ने सेवानिवृत्ति हो रहे मुरारी लाल के कार्यकाल की सराहना की। इस दौरान सेवानिवृत्त शिक्षक मुरारी लाल शर्मा ने भामा साहब बनकर विद्यालय को गोदरेज की अलमारी भेंट की। इस मौके पर राजेंद्र प्रसाद त्यागी, हरिशंकर, मुरारी लाल, दुर्गेश, सुनीता, साधना, राजकुमारी, जयप्रकाश आदि मौजूद रहे। आज शनिवार के दिन लदुपरा स्थित श्री श्री 1008 श्री प्रेतराज सरकार के सानिध्य में पंडित रामचरण लाल शर्मा के मंदिर पर संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिस दौरान भक्त मंडली के द्वारा ढोलक और बाजे की धुन पर सुंदरकांड पाठ का गायन किया। पंडित रामचरण लाल शर्मा ने बताया कि सुंदरकांड पाठ के गायन और सुनने से सभी शंका दूर हो जाते हैं। कलयुग के भगवान कहे जाने वाले श्री हनुमान जी को जो भी भक्त सुंदरकांड पाठ सुनाता है उसे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और उसके सारे संकट हर लेते हैं। इस दौरान राम खिलाड़ी लाल शर्मा, सरानंद शर्मा, मुन्ना लाल शर्मा, जगमोहन शर्मा, पंडित योगेश शास्त्री, संजू शर्मा, रजनीकांत शर्मा, पप्पू बंटी शर्मा, भोलू काना सहित भक्त मंडली मौजूद रही। फर्स्ट ट्रैक धौलपुर में खबरों एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें। धौलपुर संदीप शर्मा, राहुल शर्मा, सेपहू प्रदीप शर्मा, रजनीकांत शर्मा, बसेड़ी अंकित गर्ग, राजा खेड़ा, मोहित शुक्ला उफ मल्टी भैया, बाड़ी मलिक इमरान खान, अनिल वर्मा, बसई नवाज, रिंकू गुधेनिया, तसीमो विवेक मित्तल, मरेना अनिल सक्सेना, सरहानी खेड़ा, संजीव सिंह डांगुर। चैनल को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दें एवं शिकायत करें। राधा बल्लभ शर्मा, धीरेंद्र धाकरे। धन्यवाद।